हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम। जैसा कि आप सभी को पता है, 17 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, तो मैं उसी की फुल एनालिसिस आपके पास लेके आई हूँ। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी हमारे पास मिल चुके हैं 100% ओरिजिनल, ये सारे सवाल होंगे मैथ्स, रीजनिंग और जीके के, जो भी हमारे पास पहुंच पाए हैं। बिकॉज एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होती है, तो सारे क्वेश्चंस का मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। फिर भी हमारी कोशिश है कि आपके सारे क्वेश्चन जो भी हमें मिल पाए वो हम आपको यहाँ पर करवा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करें तो पेपर जो है आपका इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं पेपर आया था, जिसमें कि करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंपले क्वेश्चन थे करेंट अफेयर के, जो कि आपके हाल फिलहाल में चल रहा हो, और ये जो करेंट अफेयर थे लगभग 6 to 8 months पुराने थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सवाल थे, जैसे कि करेंट अफेयर में आपको पूछे गए थे नोबेल प्राइजेस से, यानी नोबेल प्राइजेस, पद्म भूषण प्राइजेस, जो भी हाल फिलहाल में अभी अवार्ड्स मिल रहे थे वो सभी के बारे में, जो भी नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड ये सारे सवाल आपको पूछा गया। इसके साथ साथ आपको BCCI के अध्यक्ष, यानी कि कौन क्या है जो वर्तमान में है, मतलब जैसे कि BCCI के अध्यक्ष पूछा गया, ये सारे आपको यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको आगे भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपसे पूछा था कि ट्विटर के फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन है, तो जैक डॉर्सी हैं। तो यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको वॉलमार्ट पूछ ले, इस तरीके से कोई भी आपको पूछ सकता है ऐप। फिर आपसे पूछा कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो यह जो है 11th of December 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आप यहाँ पे WHO, UNO ये सारे चीज़ पूछ सकता है, तो आप ये सारे चीज़ यहाँ पे देख लेना। बिकॉज लगभग जो होता है आपको एग्ज़ाम एक ही सिलेबस पर चलता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो पद्म भूषण से आपको पूछा गया था, एग्ज़ाम ऑनलाइन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपके पास भी कुछ सवाल है, यानी अगर आपका एग्ज़ाम था आज के शिफ्ट में, तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर हमें कमेंट करो। इसके साथ साथ अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में है, तो एग्ज़ाम दे के आओ और उसके बाद आप क्वेश्चन को शेयर करो। यहाँ से आपको जानकारियाँ यह मिलेगी कि आपने सवाल के सही जवाब दिए या नहीं, और भी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आपसे पूछा था पद्म भूषण के बारे में, जैसा कि हमने पूछा। फिर पूछा था कि मीनिंग ऑफ निबल इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा में निबल को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शंस नहीं रहने के कारण इसके आंसर्स हम यहाँ पे आपको नहीं दे पाए। फिर करेंसी ऑफ अल्जीरिया, अल्जीरिया की मुद्रा पूछी थी, तो अल्जीरियन दिनार। फिर पूछा था व्हाट इज फाउंड इन लैटेराइट सैंड, लैटेराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है। फिर पूछा था कि छठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से यह संबंध रखता है, छठी अनुसूची। फिर आपसे पूछा ओजोन दिवस के बारे में, तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16th of September को मनाते हैं। फिर चंद्रयान 2 का वजन आपसे पूछा था, तो चंद्रयान 2 का वजन है 3840 kg। सबसे बड़ी नदी द्वीप आपसे पूछ ली, तो सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप, यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा से भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, दिवस से सवाल पूछे जा रहे हैं, संविधान के अनुसूची से सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर आपसे पूछा कि शरावती झरना कौन सी नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यहाँ से भी आपके सवाल पूछे गए। फिर सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो डी गुकेश। तो ये योजना को आपको एक बार फिर से कवर कर लेने हैं अच्छे तरीके से। फिर चोल साम्राज्य के द्वारा कौन सी मंदिर बनाई गई थी, तो बहुदेश्वर मंदिर बनाई गई थी सबसे पहले, वैसे तो इनके द्वारा बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाया गया। फिर आपसे पूछा BCCI के अध्यक्ष के बारे में, तो BCCI के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। जल में घुलनशील विटामिन पूछा, तो विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। तो ये सारे कुछ JKJS के सवाल हमारे पास पहुंच पाए हैं। इस हमारी यही कोशिश है कि आपके पास सारे सवाल पहुंच सके। जैसे ही हमारे पास और भी सवाल आएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ मैथ्स के सवालों के, कि मैथ्स में आपको क्या क्या सवाल पूछे गए, तो आपको एडवांस मैथ्स से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री से, ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन से। उसके बाद जो यहाँ पे सवाल हुए ज्योमेट्री में, आपको कोड से पूछा गया था, ये सारे चीज़ पूछे गए थे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया, डिस्काउंट से सवाल थे आपके,
ट्रिगोनोमेट्री से सवाल थे और ट्रायंगल्स से सवाल पूछे गए थे ज्योमेट्री में, वो सारे चीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, आपको एक सवाल है cos 60 माइनस sin 60 डिवाइडेड बाय cos 30 प्लस cos 60 प्लस sin 60 की वैल्यू। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस √3/2। इस तरीके से हम इसे टोटली सॉल्व करेंगे तो 2 तो हमारा कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। हो सकता है आपको आंसर यहाँ तक हो, या फिर हो सकता है इसे और यहाँ पे मॉडरेट करके यहाँ पे ऊपर से और कैलकुलेशन यहाँ पे जो होता है नीचे से रूट हटा के रेशनलाइज करके आंसर्स दिए होंगे। आगे की जो आपको सवाल पूछे गई वो भी ट्रिगोनोमेट्री से कि कॉसेक ए प्लस सेक ए की वैल्यू है 2 तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके के आपको सवाल पूछे गए। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाते हैं बट हमारी कोशिश यही रहती है। कह रहे 10 साल और 8 साल के साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये था तथा दर 10% है तो मूलधन ज्ञात करें। तो अब देखो यहाँ पे 2 साल की बात कर रहा है और अंतर है 400, यानी कि 2 साल में जो ब्याज का अंतर हो रहा है कितना हो रहा है तो 400, तो 1 साल में ब्याज होगा 200 और ये जो है दर है 10%, तो 10% बराबर है किसके 200 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा तो 2000 के। इसी तरीके से फिर आपको ट्रिगोनोमेट्री के मिड पॉइंट से कुछ सवाल पूछे गए थे। फिर आपको एक जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि एम पी डिवाइडेड बाई सी पी इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100% माइनस लॉस, इस तरीके से जो फॉर्मूले पे सवाल होते हैं वो सारे आपको पूछे गए थे। इसी तरीके से जो आपको और भी सवाल पूछा गया टेंजेंट से पूछा गया था, ये सारे आपको यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट से जो होता है। फिर आपको एक सवाल जो कि पिछले ईयर भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था CHSL में वो क्या था कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे के रखी थी, y प्लस जेड की वैल्यू भी, z प्लस एक्स की वैल्यू भी दे के रखी थी और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू दे के रखी थी। तो हमसे पूछा था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू पूछा था। ये सारे आपको फिर यूनिट डिजिट से आपको सवाल पूछे गए थे। उसके बाद आपको मेंसुरेशन में रेक्टेंगल के डायगोनल और पेरीमीटर इन सभी से संबंधित सवाल पूछे गए थे। फिर जो आपको यहाँ पे सवाल था वो आपको एक ट्रायंगल का, जैसा कि हमने बोला मिड पॉइंट से सवाल था। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो आपके सवाल थे, सवाल तो हमारे पास एग्जैक्ट पहुँच नहीं पाया तो पर भी मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि किस टॉपिक से सवाल आया है। तो आपको यहाँ पे जो है सीरीज से सवाल पूछे गए थे, सीरीज से जो है यहाँ पे नंबर सीरीज अल्फा वेटिकल सीरीज ये सारे पूछे गए। उसके बाद जो यहाँ पे आपको सवाल पूछे गए वो आपको पूछे गए थे फिगर में पेपर कटिंग, ये सारे से सवाल पूछे गए। उसी तरीके से यहाँ पे और भी इसी तरीके के DI से सवाल मैथ्स में पूछे गए थे। और अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, ये सारे से सवाल पूछे गए। उसी तरीके से एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से, कोडिंग डिकोडिंग से, ये सारे आपको यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। तो आज अभी के लिए बस इतना ही, जैसे ही हमारे पास और भी सवाल आएंगे हम जल्द ही आपको उन सभी के जवाब भी यहाँ पे वो सारे सवाल देने की भी कोशिश करेंगे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।